Yes. Yes, Mr. Francis. We have all met him. He'll be back from Paris tomorrow. Okay, sir. Kichu! जी माँ जी, इधर आ। क्या है ये? सारे पत्ते सूख रहे हैं, पानी नहीं डाला क्या? डाला था माँ जी। कब? पिछले हफ्ते? हाँ? चलो पानी ले आओ, मैं डालती हूँ। मैं डाल दूंगा माँ जी। पक्का डालोगे? जी हाँ, आज मालिक की। I'll be back. माँ, हाँ बेटा। माँ, क्यों इतना शोर मचा रही है? मेरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग? किसके साथ? इनके साथ। किनके? कंप्यूटर में बंद करके क्यों मीटिंग कर रहा है? जा ऑफिस, जा काम कर। माँ, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? जानो ऑफिस तो। मैं ठीक हूँ। आप कल थोड़ी घबरा गई थी, पर अब ठीक हूँ मैं। वैसे भी आज कोई नहीं आएगा, वो होली का चंदा वहाँ। माँ, तू जाना। देख मैं ना वो डॉक्टर नी ने जो पर्चा बनाया है उसके मुताबिक खाना खाऊंगी, कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। सच कह रही हूँ। माँ, मैंने कहा ना मैं ऑफिस नहीं जा रहा, घर से सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, घर से कर। तो इन्हें बुला लेना घर। माँ, वो इंडिया में नहीं है, फॉरेन में है। ये विदेश से बात कर रहा है? अरे जल्दी जल्दी बात कर ले, बहुत बिल आता है। हाँ, इसका बिल नहीं आता। तभी गोरा कब से बातें किए जा रहा है, तो इससे बोलना थोड़ी देर बाद बात करने के लिए। नाश्ता करने के बाद हम बाद में बात कर लेंगे। नमस्ते। इन्हें हिंदी आती है? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे देख रहे हैं। जी नमस्ते। जीते रहो जीते रहो, और गोरे बनो। या ऑलराइट, थैंक यू। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। भाई, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लो चाट। अब शुरू हो जाओ जल्दी से, एक तुम ही हो जो माँ को मना सकते हो। लो, लेट्स ट्राई। थैंक यू, पर कोई मेरा काम करे मुझे पसंद नहीं। गुड, एटलीस्ट अपने जॉब के लिए डेडिकेटेड तो हो। मैं तो एकदम बेकार न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना, तो आपने मुझे अभी तक रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी। नहीं, इन्हें नहीं पता था। इन्होंने तो सोचा कि आपने जॉब छोड़ दी। नेहा, अरे आप मुझे क्यों घूर रहे हो? आप इसलिए तो ऑफिस नहीं गए आज? ऑफिस से छुट्टी लेने का क्या फायदा हुआ? आप तो आपकी माँ का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हो। उन्हें रेस्ट करना चाहिए, और वो बाहर कार धो रही है। माँ, माँ क्या कर रही है तू? अरे राम सिंह ने छुट्टी की ना आज, तेरी गाड़ी कितनी खराब हो गई थी, देखना कितना रंग लग गया। तेरी गाड़ी हमेशा चमकती रहनी चाहिए ना। डॉक्टर बोस, आप भी देख लीजिए, ये माँ बेटे का प्यार। यही बच गया था। माँ तू चल ना अंदर, गाड़ी धुल जाएगी, चल। अरे कैसे धुल जाएगी बेटा, बाहर भेजेगा क्या? ये पैसे क्यों खर्च करने बेकार में? देख हो गई है ना, बस जरा सा ही तो बाकी है। माँ तू चल ना। भैया सुनो, बाहर से बुलाओ किसी को गाड़ी धोने के लिए। मेरी माँ ऐसी ही है। मेरी भी। दुनिया की सारे माएं ऐसी जिद्दी होती है। बाहर से बुला लिया? ठीक है, बुलाने दो। वैसे भी आजकल तुझे ना माँ से ज्यादा बाहर वालों पे भरोसा है। दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। क्यों भाई?
इस गली में मेरा काम धंधा है, दूसरी गली मेरा घर है। मैं अपने काम धंधे और घर को छोड़कर कहां चला जाऊंगा, अपने गांव कुंजपुरा में। अरे तू खामखा मेरे से नाराज क्यों हो रहा है? मैं तुम्हारा पुराना पड़ोसी हूं, तेरा अंकल हूं, देवू बेटा अंकल। देवू देव दीक्षित बन चुका है, लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला खत्री। अरे बिना बात मुझसे नाराज क्यों हो रहा है? बस मैं तो पहली बार बात करके समझा रहा हूँ, दोबारा इस गली में दिखाना तो बात करके नहीं समझाऊंगा। देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ईश्वरी को देखा तो पुरानी यादें ताजा। नहीं बस सुन, देख सुन, देखो बेटा मैं तुम्हारे घर क्या मेरे घर भी नहीं जाऊंगा, अपने खत्री अंकल को माफ कर दे। लोग देख रहे हैं इस किस्से को यही खत्म कर देते, प्लीज छोड़ दे मुझे। तू कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम तू कुछ नहीं करेगा। ये किस्सा इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? बहुत पुराना किस्सा है, बहुत लंबा चलेगा। मैंने पता है लड्डू भी मंगवा लिए थे, मुझे तो लगा तुम चली गई। तुम तो लौट आई, अब लड्डू भी नहीं खाने दोगी? जी आपको सैलेड्स खाना होगा। अब मैं आपसे इतने सारे पैसे जो ले रही हूँ, मैं उन्हें कैसे छोड़ के जाऊँ? पर एक बात बताओ, इस सलाद में इतना नमक डालना जरूरी है क्या? मतलब बीपी सही करने के लिए कोई और तरीका नहीं है सच में? है ना? हाँ। आपको फ्लूइड्स पीना होगा, नारियल पानी, जूसेस, ये सब। अगर आप ये पियेंगे तो मैं नमक कम कर दूंगी। डील? दिल? दिल नहीं, डील, सौदा, मंजूर? हाँ मंजूर, ये नमक से तो अच्छा ही है। वैसे आंटी जी, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो तो है। जूस? किचु भैया जी, मेरे लिए कॉफी बनाना। हाँ जी जी, होली का शगुन लेने मैं जरूर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या बताऊं, अरे कल वो भिकमंगे पड़ोसी है ना, वो आ गए थे, नहीं तो मैं कल ही आ जाती। आप अपना ख्याल रखिए। अरे कहाँ ना, जरूर आऊंगी। सुनिए, जीजी ने ना मेरे लिए होली का शगुन लेकर रखा है, लगता है कोई भारी सी चीज होगी, सोने का हार ही होगा। वैसे अगर इस बार सोने की चूड़ियां दे देती ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हार तो उन्होंने पिछली बार भी दिया था। सोने की चूड़ियां होंगी तो कितना मजा आएगा, चूड़ियां डाल के जब मैं निकलूंगी। चूड़ियां जब डालेगी तब डालेगी, अभी ये शर्ट डाल दे धुलने के लिए। हाँ भाई, घर में बड़ी शांति है, तेरा लाडला कहाँ है? विक्की को सुबह से 3-4 बार फोन लगा चुकी हूँ, बंद आ रहा है उसका फोन, पता नहीं कहाँ गया है। कहीं फिर से तो नहीं भाग गया मुंबई हीरो बनने के लिए? क्या जो मुंह में आए बोलते हैं बस, इंटर में था तब वो। हाँ भाई, आदमी तो इंटर में गधा होता है ना। अब भी कहाँ चला गया ये? कम से कम एक फोन तो करने दो मुझे।
दो घंटे से यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है, जानते नहीं हो तुम लोग मुझे? चुप, बड़ा जान पहचान का शौक हो रहा है, अभी डंडे से करा दो जान पहचान। सर दो घंटे से शोर कर रहा है, एक तो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, ऊपर से हेकड़ी दिखा रहा है। बहुत बड़ी पहचान है मेरी, अपने भाई को फोन करूंगा ना तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी। लगा फोन इसके भाई को। सर मेरा नाम देव दीक्षित है, ये इसकी जमानत के पेपर सर। मैंने कहा था ना आपसे मेरे भैया आएंगे, ये मेरे भैया है। भैया कैसा है तू, ठीक है ना? भैया ठीक हूँ भैया। क्या हुआ था? भैया वो मेरा दोस्त है ना, वो पी के बाइक चला रहा था और मैं तो उसके पीछे बैठा हुआ था, फिर एकदम से पुलिस आई तो वो वहां से निकल गया, अब इन्होंने मुझे फंसा दिया। भैया आपको तो पता मैं पीता बिल्कुल भी नहीं हूँ, अब इनकी भी क्या गलती थी, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। शर्मा छोड़ दो उसको, खोल दो सर जल्दी खोल दो। चल। ये अच्छा है सर, कानून को तो आप लोगों ने मजाक समझ कर रखा है, एक भाई शराब पीकर बाइक चलाता है और अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है और दूसरा भाई आकर उसकी बेल कराता है। ये झूठ बोल रही है। जानते हैं आप इसने क्या किया? जब पुलिस इसका पीछा कर रही थी तब इसने ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को गालियां दी, जब से यहाँ पर आया है ना आफत मचा कर रखी है इसने। आज तो आपने इसकी बेल करवा दी, लेकिन कल को अगर ये किसी की जान ले लेगा तो आप क्या करेंगे? अरे वो चाची बहुत हो गया, मैं तब से कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? हाँ आप लोगों को तो क्या, आप लोगों को वो काफ मेरा अपनी, ये तो इसी पुलिस स्टेशन में तेरी वर्दी उतर जाएगी। विक्की से बच्चों को तब वापस लाया जाता है जब वो वहां कुछ सीखें, लगता है इसने यहां कुछ नहीं सीखा है। इसे एक रात यहीं रखिए, तमीज सिखाइए, सुबह तक अगर इसने कुछ सीखा तो छोड़ देना। और मेरे भाई की बदतमीजी के लिए आई एम सॉरी। देखो तो कैसे पसर के बैठी है ये बंगालन। आराम से किताब पढ़ रही है, इतना कुछ सुनाया पर बत्तख के पैरों में पानी कभी टिका है भला? किचू जी, माँ जी क्या लेकर जा रहा है? कॉफी हैं? अब भैया ने फिर से मंगाई है। अरे फिर से कॉफी? अभी तो आधे घंटे पहले कॉफी मंगाई थी। एक मिनट किचू। ए डॉक्टर नी, तुम क्या सिर्फ मेरे ही पीछे लगे होगी, जरा देव के पीछे भी लगो जी। मेरा मतलब है देव को भी समझाओ, उसके खाने पीने का ख्याल रखो। अभी 8-8 कप काली कॉफी पिएगा तो क्या मेरा गोरा चिट्टा बेटा काला नहीं हो जाएगा? नहीं आंटी जी, कॉफी पीने से कोई काला नहीं होता। शुक्र है, लेकिन और प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाय राम, तो क्या और प्रॉब्लम होने का इंतजार करोगी? जाओ उसे रोको। कैसी डॉक्टर नहीं हो? तो आप चाहती है कि मैं उन्हें रोकूं? तो क्या मुझे अकेली को डांटने के इतने पैसे ले रही हो? हैं? इतने पैसों में तो मैं पूरे पुरानी दिल्ली को डांटा हूं, है ना किचू? हंसो मत। तो आप चाहती है कि मैं उन्हें डांटूं? मजाले किसी की जो मेरे बेटे को डांटे। तो ठीक है, मैं उन्हें प्यार से समझाती। हाँ प्यार।
प्यार से तो बिल्कुल नहीं। अभी मैं उन्हें डांट नहीं सकती, प्यार से समझा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर नहीं तुम हो, सारे सवाल मुझे से करोगी क्या? कुछ भी करो पर मेरे बेटे को काली कॉफी पीने से रोको बस। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। हाँ कीजिए भैया जी। बीटरूट और गाजर निकालो, हमें जूस निकालना जी। अब आएगा मजा। ये लीजिए। वहां रख दे, गर्म होगी ना। भैया ये कॉफी नहीं जूस है। मैंने कॉफी मांगी थी ना रिया जी, लेकिन ज्यादा कॉफी पीना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इसलिए आपको जूस पीना चाहिए। मैंने आपकी एडवाइस नहीं मांगी, एक कप कॉफी मांगी थी। कॉफी मिलेगी रिया? रिया रुको, जूस मुझे दो। इतनी कॉफी पीने से इंसोम्निया हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, एंड स्टमक प्रॉब्लम्स कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस। और हार्ट डिजीजेस से क्या? दिस नॉनसेंस। मुझे एडवाइस करने का हक किसने दिया आपको? मैंने आपको मेरी माँ के लिए रखा है, मुझे एडवाइस करने के लिए नहीं। मिस्टर दीक्षित, अगर मैं यहाँ बैठकर 1,000 का नोट जलाने लगूं, तो आप क्या करेंगे? ये कैसा सवाल है? बताइए ना, अगर मैं यहाँ बैठकर 1,000 का नोट जलाने लगूं, तो आप क्या करेंगे? Of course, तो मैं रोकूंगा। I know the value of money. And I know the value of health. तो इसलिए अगर कोई अनहेल्दी खाना खा के अपनी हेल्थ बिगाड़ रहा हो, तो मैं उसे रोकूंगी। Because I'm a nutritionist and that's my duty. आप जैसे पैसे वाले लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं होता। देव बेटा। अरे सर रुकिए। किधर है तू? रुकिए सर। 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 देव बेटा खुश रहो। आइए सर बैठिए ना। बैठिए सर। किचु भैया पानी लाना। रश्मि ने तुम्हारे वापस आने के बारे में मुझे बताया। सर मैं खुद आने वाला था आपसे मिलने। मुझे पता था तुम जरूर मुझसे मिलने आओगे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारी ये तरक्की देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा। तो आप ही का आशीर्वाद है सर। लीजिए किचु भैया, एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी पिछले 18 सालों में मैंने अपने हर एक स्टूडेंट को बराबर बराबर आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन लिया है शायद सिर्फ तुमने। सोनाक्षी ये मेरे बचपन के टीचर हैं। और सर ये आओ बेटा बैठो। जी नमस्ते। खुश रहो बैठो। मैं देव के प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। इन हाथों से मैंने इसे थप्पड़ भी लगाई है और इसकी पीठ भी थपथपाई है। इतना मुर्गा बनाया है कि पूछो मत। बचपन की पनिशमेंट की बातें सुनकर आज शर्मा रहा है तू? आज भी वैसा ही गुस्सा करता है जैसा बचपन में किया करता था? बचपन में तो जब देखो तब लड़ाई। हाँ बेटा तुझसे तो नहीं लड़ता है ना ये? बेटा मैं ये तो नहीं जानता तुम दोनों कब से साथ हो, पर चुप। इसके गुस्से पर मत जाना, अंदर से मोम है मोम। सर अब गलत समझ रहे हैं। अब गलत और सही तू मुझे सिखाएगा क्या? इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इसने सीढ़ियां बहुत नीचे से चढ़नी शुरू की थी। बचपन में जिसके पास मिट्टी के खिलौने नहीं हुआ करते थे, वो आज करोड़ों में खेल रहा है। आज इसके पास सब कुछ है, पर एक ऐसा भी वक्त था जब अगले महीने का मकान का किराया, दो वक्त की रोटी, बच्चों का दूध, ये सब कैसे कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं था। इसको पढ़ाने के लिए ईश्वरी ने क्या क्या नहीं किया। कभी कभी तो किताबें और कॉपियों के लिए पैसे तक नहीं होते थे उसके पास। और 5 साल तक आपने मेरी नोटबुक्स के लिए पैसे दिए थे। अरे चुप कर, विद्या पर मोल नहीं लगाते। तपस्या तो ईश्वरी ने की थी और उसी तपस्या के फल स्वरूप उसे ऐसा होनहार बेटा मिला है और मुझे ऐसा स्टूडेंट। जो व्यक्ति एक एक पैसे की कीमत समझता है वही बड़ा आदमी बन सकता है। मुझे गर्व है देव पर, तुम्हें भी इस पर गर्व है ना बेटा?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.